मजा आई भाई। आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं पल्सर की एक और बाइक लॉन्च हो रही है, बजाज की पल्सर N150। बाकी सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि यहाँ से निकल रहे हैं। मेरी वाइट है तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे। एक सिटी टूर मैं आप लोग को दूंगा कि सिटी में कैसी बाइक चल रही है, कितने की बढ़ रही है यहाँ पे। चलो तो एक बार ट्राई वायर करके आओ, पहन के दिखाओ कैसी लग रही है, फिर देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक से कलेक्शन, की भाई ये सब बाइक यहाँ पे पार्क हो रखी हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, एक और नए ब्लॉग के साथ हम लोग आ चुके हैं वापस। और काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे थे तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। एंड हमारी ये जो बाइक है, आज हम लोग जा रहे हैं राइड करने। सेम वहाँ पे कौशिक भाई है हमारे साथ RC 390 से। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं यही बताएगा, बताओ भाई। आज हम लोग को JPS बजाज की तरफ से इन्विटेशन आया है, एक नई बाइक लॉन्च हो रही है तो उसी का रिव्यू वगैरह करना है, तो वहीं चल रहे हैं हम लोग सीधे JPS बजाज। तो गाइज उसका ब्लॉग सेपरेट आएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं लॉन्च हुआ उस बाइक में, तो वो सेपरेट चीज़ आएगी, सेपरेट ब्लॉग आएगा। आज फिलहाल हम लोग राइड करने वाले हैं तो राइड का ब्लॉग अलग आने वाला है। भाई साहब को भी कुछ ऐसी जूते चाहिए और कुछ हेलमेट हम लोग बाय करने जा रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहो और थोड़ी मौज मस्ती काटेंगे आज, थोड़ी वीली वीली मारेंगे। और बस तब तक वीडियो को भाई लाइक कर दो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो यू नो रेगुलर ब्लॉग्स आते रहेंगे। एंड हमारी बस बाइक में अभी तक एक ही कमी है जो कि ये टायर देख सकते हो चटक गया है भाई, लेकिन इसी बाइक के साथ हम राइड करते हैं तो ज़्यादा हार्शली राइड नहीं करेंगे। बाकी हम कोल्ड स्टार्ट तो हमने कर दिया है, हमारी बाइक की सर्विस भी आने वाली है। तो चलो भाई रेडी हो गया, चलते हैं और मिलते हैं सीधा मोटर ब्लॉक सेटअप पे। वेल गाइज, हम लोग निकल चुके हैं और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने ब्लॉग में, क्योंकि भाई क्या होता है ना, बस ये बात नहीं करने देगा ये लड़का, ये देख रहे हो हमारे RC 390 ओनर को भाई, ये तो रोक लेंगे। इनकी गाड़ी में ब्रेक भी अच्छे हैं, टायर भी अच्छे हैं, हम तो लपट जाएंगे अगर हमने ज़्यादा कस के ब्रेक लगा दी तो। भाई अच्छी खासी राइड होने जा रही है, ऊपर वाले से दुआ मांग लेते हैं, पिता जैसे भी लेके जाना, अच्छे से लेके जाना, अच्छे से वापस लेके आना, गलत कामों से दूर बचाना। भाई साहब क्या हो गया हमारे राइडर की स्किल्स को, देख रहे हो आप लोग, इसी तरह आपको पूरी वीडियो में ये दिखेंगे भाई साहब गाड़ी उड़ाते हुए। ओह माय गॉड रिएक्शंस, आई होप वीडियो बन रही हो अच्छे से, आप लोग को दिख रहा हो सब अच्छे से। और हमारी गाड़ी भाई इंजन जो साउंड है ना हमारी गाड़ी का बहुत प्यारा है, सुनोगे तो देखो भाई, बस आपस में एक दूसरे के साथ नहीं घुस रहा है, इसलिए मैं इससे थोड़ा डिस्टेंस लेके चलूँगा ताकि भाई हमारे हमको ही ना घुसोड़ दे, इनकी गाड़ी भी तो ब्रेक ऐसे लगे हैं कि पूछो ना। तो ये राइड अभी होने वाली है बालागंज वाले बजाज तक, JP बजाज तक, क्योंकि वहाँ पे एक बाइक का लॉन्च है एंड हम लोग जा रहे हैं वहीं पे। तो आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग को मौका मिला कि हम दोनों एक दूसरे के साथ राइड कर पाते। एंड पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ इसमें, अब मेरी गाड़ी क्या कर रही है। जब दिखाने की बारी आती तब भाई कुछ ऐसा आप लोग के साथ हुआ कि दिखाया नहीं जा सकता। आओ 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 आओ, भाई इसने तो डाल रखे ABC के ब्रेक पैड सेरेमिक वाले, हमारे पास है नहीं इसलिए हमने डाले नहीं है, वरना हम भी डाल लेते है ना। दीदी चलो, हमारे मामे सारे लगे हुए हैं फोन पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अबे आ जाओ, सरकार बना दू। आ,
और ये आरसी बहुत धीरे आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा पता नहीं। आइए ना सर, इतना इंतजार क्यों करा रहे हैं सर। देखे ऐसे लोग होते हैं जो बिना देखे राइड मोड़ देते हैं, थोड़े से महान कलाकार लोग। मजा आई भाई, बहुत मजा आई थी भाई। थोड़ा धीरे होना पड़ेगा, सामने कैमरा है वरना हमारा चालान कट जाएगा, चालान कट जाएगा। ये ऐसे चलानों के चक्कर में भाई हम गाड़ी तेज नहीं चला सकते हैं। वैसे तेज चलानी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये रोड ऐसी है ना। अब देखिए हमारी मैडम खड़ी हुई है तो ये कभी भी उतर जाएंगी और हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखा जाए जरा यार। देखें इनकी आवाज़ ज़्यादा तेज है, हमारी बाइक की आवाज़ ज़्यादा तेज है। क्या कह रहे हो, देख सकते हैं गाइस क्या क्या हो रहा है। तो ईडी का कुछ रैली टाइप का निकला था, अब देखो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एकदम ब्लाइंड स्पॉट है, इसका कभी मन करेगा ये उतर के नीचे क्रॉस कर देगा। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए गाइस। ये इंडिया है, हाथ पैर आपके हैं, आपको अपने आप ही बचाने पड़ेंगे। ये देखा, ये देखो आपको यहाँ से अगर तेज आ रहा होता तो भाई उड़ा देते। तो हम आ चुके हैं दुबग्गा साइड, यहीं से एक राइट लेंगे तो आएगा जेपी बजाज। तो समझे गाइस कैसे व्हीली पड़ती है, ऐसे व्हीली पड़ती है, ऐसे लेके जब चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। इसमें मैं जो कर रहा था, इसमें मैं ये करता हूँ एक्सेल वाली, एक होती है प्रॉपर ब्रेकिंग के साथ। तो उसमें क्या होता है, आपका एक्सेल एक जगह होल्ड होता है ना, आपके ब्रेक पुट ऑन होते रहते हैं, मतलब ब्रेक अप्लाई आप करते रहते हो ताकि ज़्यादा बैक में जाए, ये सीन होता है। हम लोग जा रहे हैं पल्सर की एक और बाइक लॉन्च हो रही है, बजाज की पल्सर N150। हाँ क्यों, कौशिक कौन सी लॉन्च हो रही है? पल्सर N150 लॉन्च हो रही है। हम लोग को उसकी लॉन्चिंग के लिए बुलाया गया था, तो थैंक्स टू JP बजाज एंड थैंक्स टू कौशिक भाई, जिसकी वजह से हम लोग आ गए। और लखनऊ में हुआ था पल्सर N150 का स्टंट मैनिया शो, तो here we go, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है भाई आज के दिन, हम लोग को क्या क्या मिलता है बाइक के बारे में, क्या क्या अपडेट्स आई हैं नई नई। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। हमारे साथ है कौशिक भाई और ये JP बजाज है, जो कि हम लोग आ रखे हैं दुबग्गा साइड में। आप देख सकते हो हम लोगों ने बाइक अपने पीछे पार्क करी है, और उसी के जस्ट ऊपर आपका KTM शोरूम है। तो चलो अंदर, ऑल इन ऑल अंदर चलते हैं और लेते हैं मज़े, अपडेट लेते हैं, बाइक चला के देखते हैं क्या फील आ रहा है। ठीक है चलो। सो गाइस हियर इज द बाइक्स, आज इनका पर्दा हटेगा और लॉन्च होगी N150, और देखेंगे इसके बारे में कि क्या क्या अपडेट हैं बाइक की। बाकी हमारे और भी लखनऊ के ब्लॉगर्स भाई लोग आ रखे हैं, शुभम और शुभम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कि उसका सिल्वर प्ले बटन आया, हमारे राम भाई का भी सिल्वर प्ले बटन आया है। तो यही है अपडेट, बाकी पर्दा हटता है फिर देखते हैं बाइक के बारे में क्या क्या सीन है। ठीक है चलो। तो गाइस हियर वी एट JP बजाज एंड सारे राइडर्स अलाइन हो चुके हैं। हमको मिली है वाइट बजाज पल्सर N150 एंड ये हमारे कौशिक भाई ये भी ब्लैक चला रहे हैं। बाकी सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ मेरी वाइट है, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे एक सिटी टूर में, आप लोग को दूंगा कि सिटी में कैसी बाइक चल रही है, इसके बाद इसका प्रॉपर रिव्यू बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं बाइक में, है ना। और पूरा ब्लॉग में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि बाइक डेली कम्यूटर के बेसिस पे कैसी बाइक है, चलाने में कैसी हो, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या गियर है, क्या पावर है और सारी चीज़ें। ठीक है तो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है फुल एकदम फ्यूल, तो चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं और मिलते हैं सीधा मोटर ब्लॉक सेटअप पे। चलो
वेल गाइज, अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं रेस डायनेमिक, बट मैं आपको एक छोटा सा बाइक का रिव्यू दे दूँ। वैसे मैंने सेपरेट वीडियोस ऑलमोस्ट बना के डाल दी होगी यूट्यूब पे, आप देख सकते होगे, उसका सेपरेट व्लॉग भी आने वाला। बट अभी अगर मैं बात करूँ बाइक की, तो बहुत ज़्यादा मैन्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, हैंडलिंग बहुत टॉप नॉच दी गई है। मुझे पर्सनली चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है इस गाड़ी को, और पिछले 2-3 घंटे से तो हम लोग बाइक को इधर उधर घुमा ही रहे हैं। अभी सिटी टूर पर जा रहे हैं, तो यहाँ से हम रेस डायनेमिक जा रहे हैं। अभी हम हैं आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ, तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, सीधा वहीं पर मिलते हैं। और बाकी गाड़ी की टॉप नॉच क्वालिटी, मज़ा आ गई चला। सो गाइस, अभी आ रखे हैं हम लोग रेस डायनेमिक में, एंड भाई साहब हमारी फुल टू कॉपी ले रहे हैं स्काला की पैंट, राइडिंग पैंट कितने की पड़ रही है यहाँ पर, तो लोग एक बार ट्राई वायर करके आओ, पहन के दिखाओ कैसी लग रही है, फिर देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक से कलेक्शंस, निंजा 10R, NMT 15, हार्ली डेविडसन, हायाबुसा एंड रॉयल एनफील्ड की, भाई ये सब बाइक्स यहाँ पे पार्क हो रखी हैं, तो ये सब सेल्फ हैं, अगर आप लोग चाहो तो आके देख सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रैप का काम भी चल रहा है। और भाई आज तो जो बैंड बजी है ना, तब से हम लोग 1 बजे मतलब 12 बजे तक हम लोग बाइक थे, अब अभी तक हम लोग बाइक ही चला रहे थे। अभी रेस डायनेमिक आ गए, ये कुछ हमारा लुक है, तो जल्दी से यहाँ पे जो भी हम लोग को चीज़ें परचेस करनी है देख लेते हैं, और परचेस करने के बाद फिर देखते हैं कि भाई क्या ले रहा है क्या नहीं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये देखिए हमारे भाई साहब को, तो ये राइडिंग गेयर्स पहनते हैं बिना जूते के, बिना राइडिंग शूज़ के। ट्रायल ले रहे हैं, क्या ले रहे हो? ट्रायल ले रहे हो? और भाई गाइस ये देखो, पहचानने में भी आएगा कौन कौन है भाई, अपना येलो शर्ट। तो कैसा लगा, प्रॉपर राइडर लग रहा है? बढ़िया भाई, बढ़िया। परेशान ना, बूट्स भी ले रहे हैं, परेशान का बूट्स भी ले रहे हैं ये, शक्ल देखो इनकी गाइस, राइडिंग शूज भी लेंगे ये। मैच कर रहा भाई दोनों, जॉब इनकी लगी नहीं है अभी, और सब कुछ ले लिया इनने, अभी अंदर माल रखा ना इसलिए भूल रहे थे, बस ये ले ले फिर देखते हैं और क्या लेता, फिर मिलते हैं। हम आ चुके हैं फाइनली अपने शोरूम में, एंड हमारा सारा काम था खत्म हो गया। अभी अभी हम लोग को देख सकते हो, हम लोग को ये गुडीज़ मिली, तो थैंक्स दोस्तों JP बजाज, एंड ये खड़ी है हमारी N150। तो गाइस होप करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाइक के बारे में कुछ भी जानना हो तो गेट द ड्रिल ऑन कॉमेंट्स भर दो, और भाई ताकि सारी चीज़ें आपको बता सकें, कुछ भी आपकी क्वेरीज आप पूछ सकते हो, ताकि अब आप जब तक अपनी क्वेरीज नहीं पूछोगे तब तक हम कैसे बताएंगे। अब क्या ना, कॉन्टैक्ट होता है अपन लोगों का कंपनी से डायरेक्ट, तो वो एक रिव्यू जाता है कि बाइक में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये डेली कम्यूट के बेसिस पे ये बाइक बनी गई है। होप करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं इसी के साथ किसी बार से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।